आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज आपके लिए मैं सबसे बड़ी न्यूज़ ले आया हूं। न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में किस तारीख को होगा कौन सा एग्ज़ाम। तो यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, आज शाम तक ये वेबसाइट पे आ भी जाएगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम कब से कब तक होंगे। मैं पहले ही बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के दो मेन एग्ज़ाम हैं जिसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक है यूपीपीएससी का आरओएआरओ, दूसरा है यूपीपीसीएस और तीसरा है खंड शिक्षा अधिकारी, जिनमें से दो एग्ज़ामों की डेट तो निश्चित हो चुकी है, अपडेटेड डेट निश्चित हो चुकी है। जैसे यूपीपीसीएस की परीक्षा होगी 27 अक्टूबर 2024 को। सबसे पहली बात, यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा थी जो टल गई थी वो अब कब होगी, 27 अक्टूबर 24 को। इसका मैं एक ब्रीफ प्लान आपके लिए बना के लेकर रह जाऊँगा आज ही शाम तक में। तो आपको पता होना चाहिए कि 27 अक्टूबर 2024 को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट परीक्षा है वो है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी 22 दिसंबर 2024 को। तो याद रखिए 22 दिसंबर 2024 को समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स होगी और यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होगा वो होगा 27 अक्टूबर को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो बड़े एग्ज़ाम हैं, इन दोनों की डेट आपको पता चल गई, एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में, और दोनों दिसंबर और अक्टूबर के आखिरी वीक में। अब आपको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं आपको इन दोनों एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट तैयारी कराता हूं, वो भी 100% गारंटी के साथ कि सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पे, मेरे बताए हुए टारगेट पे चलिए। दो काम आपको करना होगा, एक तो मेरी पूरी वीडियो देख डालेंगे आप, दूसरा जिन बुक को मैं रेफ़र करता हूँ उन बुक को पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज ज़रूर रट के जाइएगा। आपको 70 प्रश्न यूपीपीसीएस में मिलेंगे और 70 प्रश्न खंड शिक्षा अधिकारी में, सिर्फ एक टॉपर्स कोड के पिछले प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है उससे मिलेगा। और ये मेरी खुलेआम गारंटी है, कितना प्रश्न, 70 प्रश्न टॉपर्स कोड से आपको मिलेंगे शिक्षा अधिकारी में और मिनिमम 70 प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत कोई इतना चैलेंज नहीं दे सकता, मैं इसलिए ऐसा दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कई बार निकाल रखा है, ठीक। तो चलिए, अगर आपको तैयारी करनी हो तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये दो एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा मैं और एग्ज़ामों का भी बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे उसका है सचिव, इधर देख लीजिए, अपर निजी सचिव का शॉर्ट हैंड। मैं आपसे शुरू में पिछले साल कह रहा था कि भाई भर दिया करो, शॉर्ट हैंड 5-6 महीने में सीख जाओगे, 4-5 महीने में सीख जाओगे। शॉर्ट हैंड कब हो रहा है, आज हो रहा है, पूरे एक साल बाद। किसी बच्चे ने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो उसको पता है, दो बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने अब शॉर्ट हैंड सीख लिया है और अब एग्ज़ाम होगा पता है वो ज़रूर निकालेंगे। दूसरा, सहायक एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 30 अगस्त को होगी। राज्य किसी कृषि सेवा की 18 तारीख को होगी। होम्योपैथी की दर की तो सारे हैं। सहायक नियोजन अधिकारी प्रावधिक शिक्षा, देखिए प्रावधिक शिक्षा परीक्षा माने जो वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पे जो लेक्चरर होते हैं उनकी परीक्षा भी है। जो मेन एग्ज़ाम है कुल मिला के वो दो है, यूपीपीसीएस का 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को किसका है, समीक्षा अधिकारी का। तो याद रखिए इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मेरी डेली टारगेट्स को आप देखते रहिए, उसको पूरा करते रहिए, कन्फर्म है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिर्फ एक काम, मेरे डेली टारगेट की जो वीडियो सुबह सुबह मैं अपलोड करता हूँ, बस आप उनको देखते रहिए, दोनों एग्ज़ाम आपका कन्फर्म निकलेगा। कुछ कहीं नहीं करना आपको, कहीं ना भागना है ना दौड़ना है, एक चीज़ मैं यहीं टॉपर्स कोर्ट पे और इस चैनल पे दिया करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।